गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ड्रीम विद मी। तो आज देखिए, सुबह सुबह मैं खा रही हूँ कॉफ़ी, और ब्रेकफास्ट के लिए आज मैं बना रही हूँ सूजी का स्प्रिंग रोल। और ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगता है खाने में, तो इसके लिए मैंने ले लिया है देखिए कैरेट, ऑनियन और कैप्सिकम और चिली मैंने ले लिया है। और कढ़ाई पे मैंने दे दिया है ऑयल, और पहले तो मैं जो कैरेट है उसको फ्राई कर लूँगी, क्योंकि कैरेट बहुत ही हार्ड होता है, तो इसलिए पहले कैरेट को मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और नमक हल्दी भी मैं ऐड कर दूँगी इसमें, और इसके बाद मैं थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें ऐड करूँगी कैप्सिकम। और कैप्सिकम भी अच्छे से मैं इसको फ्राई कर लूँगी, और इसके बाद मैं दे दूँगी इसमें ऑनियन। तो सूजी का स्प्रिंग रोल बनाने के लिए जो फिलिंग है वो रेडी हो गया है, और थोड़ा सा मैंने दे दिया है इधर पे टमाटो केचप। और देखिए, मैं अभी सूजी 250 का सूजी है इधर पे, तो मैं दे दूँगी इसमें। और गर्म पानी मैं करके रखी हूँ, और गर्म पानी देके इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स करूँगी। तो देखिए आप लोगों को जब मैं प्रोसेस दिखाती हूँ, और सूजी तो फूल जाता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको मिलाऊँगी। और इसका बाइंडिंग के लिए मैं यूज़ करूँगी मैदा, तो मैदा देने से ये बहुत अच्छे से होता है। तो देखिए, ये थोड़ा थोड़ा मैंने पानी देके इसको मिला लिया, और मैदा देके मैं इसको अच्छे से, देखिए थोड़ा और भी मैदा लगेगा, तो इसलिए मैं अच्छे से इसको मिला देके एक डो बना लूँगी। डो में से अभी मैं देखिए बॉल्स बना लूँगी, और इसको थोड़ा सा मैं बेल लूँगी, और बेलने के बाद जो फीलिंग है उसको दे दूँगी, और जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे करके मैं इसको रैप कर दूँगी। तो देखते रहिए आप लोग। तो ऑयल गर्म होने के बाद इसको मैं पूरा हीट एकदम बहुत गर्म करूँगी, तो उसके बाद मैं सिम को एकदम लो में करके इसको फ्राई कर लूँगी। और ये बहुत ही क्रंची होता है खाने में, और हेल्दी भी होता है, तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा। तो अभी मैं लंच के लिए देखिए आज बना रही हूँ एक करी, तो थोड़ा आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो जो ग्रेवी है वो मैं आगे में बना ले रही हूँ, आलू मटर और टमाटर जीरा धनिया पाउडर सब देके मैं इसको इसका एक करी बना लूँगी आज। और ये एक का करी बहुत अच्छा लगता है, और कुछ देर में मैं मिलती हूँ आप लोगों से। A few moments later. Hey everyone, welcome back to the channel Dream With Me. तो आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, और मैं भी अच्छी हूँ। तो
मेरा आज का वीडियो मैं लेके चली आई हूँ और आप लोगों को कुछ आज मैं दिखाऊंगी। तो बहुत दिन आगे मैंने खरीदा था बट आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया, तो वो देखिए मैंने नेल एक्सटेंशन मैंने घर पे ही करा लिया है और ये मैंने बहुत दिन आगे परचेस किया था तो वही मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी। और ये वाला नेल मैंने कैसे लगाई वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी और कैसा लग रहा है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना। तो चलिए, मैंने लिया था एक मीशो से तो बहुत दिन आगे, तो वही आप लोगों के साथ मैं थोड़ा शेयर कर। तो देखिए ये फॉल्स नेल्स तो मैंने ले लिया था, तो ये बहुत ही काम का चीज़ है तो मैं अभी लगा लूँगी। वो है गम छोटा सा, तो इसका जो गम है बहुत ही अच्छा है तो मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आज मैं पहनूंगी और आप लोगों के साथ मैं थोड़ा सा शेयर करूंगी। तो देखिए एक मैंने लगा लिया है और थोड़ा मैं लगाने के बाद नेल पेंट्स इसमें दे दूंगी और ये देखिए आप लोग इसमें कट भी कर सकते हो, तो ये नेल को आप लोग अच्छे से कट भी कर सकते हो। तो मैंने कट नहीं किया, तो आप लोग इतना लंबा नहीं रखना चाहते हो तो कट कर सकते हो। तो देखिए ये नेल तो ऐसा आप लोग नेल एक्सटेंशन कराने जाओ पार्लर में तो बहुत खर्चा हो जाता है, तो आप लोग ऐसे ही घर पे एक ऐसा टूल्स खरीद के रख देना जो नेल्स है फेक नेल्स, तो वो बहुत काम आने वाला है आप लोगों को। आप लोग अगर खरीदो तो घर पे रखने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो जब भी आप लोग, अभी तो वेडिंग का सीजन चल रहा है तो आप लोग शादी ब्याह में जा रहे हो या कोई पूजा में बट और कुछ ऑकेशन में आप लोग जा रहे हो तो उस समय आप लोग ये नेल एक्सटेंशन घर पे ही करा के जा सकते हो बहुत ही इजीली, और बहुत इजी है और हो जाता है। और इसका जो ग्लू है, इसका ग्लू बहुत ही एकदम बहुत ही अच्छा है इसका ग्लू, और ये निकलता भी नहीं है। देखिए बहुत हार्ड करके मैं लगाई हूँ और कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके बताना। और मैंने ये लेफ्ट हाथ में इसको लगाई बट मैं राइट हाथ में नहीं लगाई क्योंकि राइट हाथ में बहुत सारा काम करना होता है, तो इसीलिए तो मैंने लेफ्ट हाथ में लगाई। और कैसा लग रहा है, गुड इवनिंग एवरीवन। तो मैं एक वीडियो बना रही थी और मेकअप वीडियो, तो उसके लिए देखिए पूरा मेकअप है मेरे, अभी बज गया है 7 बज गया है और वीडियो करते करते बहुत समय चला गया है। और मैं बना ली हूँ ये वाला टी और अभी मैं खा लेती हूँ क्योंकि बहुत ही ठंड बढ़ चुका है, बहुत ही ठंड हो रहा है आज, और 2 दिन से भी तो बारिश भी हो रहा है और आज थोड़ा बारिश कम है बट ठंड बहुत है। तो मैं चाय पी लेती हूँ। जो वीडियो मैं बनाई हूँ वो वीडियो आगे ही जाएगा, ये वीडियो का आगे, तो आप लोग जो नहीं देखे हो प्लीज चेक कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। टुमारो, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आज है नेक्स्ट दिन, तो कल एक बात करना मैं भूल गई, तो मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो ये था आज का गुड न्यूज। तो थैंक यू एवरीवन जो मेरे साथ पहले से आप लोग थे, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो और जो मेरा दोस्त लोग हैं जो मुझे बहुत पसंद करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत सारे दोस्त मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तुरंत देख लेते हो, तो उसके लिए मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ आज। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो बहुत दिन हो गया है मेरा मोनेटाइज हो गया है बट मैं नहीं बोल पा रही थी क्योंकि मैं थोड़ा मेकअप वीडियो ज़्यादा दे रही थी, 2 महीने मेकअप वीडियो दे दिया, तो इसका आगे मैंने एक ब्लॉग वीडियो दिया वो तो आगे से ही शूट करके रखा था, तो इसलिए तो आज मैं बता रही हूँ। तो थैंक यू एवरीवन इतना सपोर्ट करने के लिए, तो ये तो शुरुआत है, आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहना प्लीज़, और मुझे साथ देना ऐसे ही।
तो आज और एक गुड न्यूज़ है, वो है हस्बैंड आने वाला है। तो आज है फ्राइडे, तो ये व्लॉग आज ही जाएगा। तो आज शाम के समय 6 या 7 बजे हस्बैंड आ जाएगा, तो उसके बाद नया ब्लॉग आएगा। तो आप लोग प्लीज़ बने रहे, और मैं जो मेरे चैनल को आज ही देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, हिट द नोटिफिकेशन बेल और बेल आइकन को ऑल कर देना, जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन जल्दी से आप लोगों के पास चला जाएगा। तो अच्छे लगे तो लाइक करना। तो मैं आज के लिए चलती हूँ, बाय बाय।